ले जी आंटी मैं चलता हूँ थैंक यू इजाजत दें अरे क्यों बेटा तुम भी रह जाओ ना हाँ रह जाए ना हम रात को बैठ के गपशप करेंगे तुम बैठो मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ ये लाइट का बड़ा मसला है ठहरो मैं मैं इमरजेंसी लाइट लेकर आती हूँ एक सेकंड एक सेकंड ये लो फोन ले जाओ चांद देखा तुमने देख रहा हूँ वो आसमान पे होता है सिर्फ दूर से देखा जा सकता है हाँ सुना था मैंने कुछ ऐसा पहले चांद आसमान पे होता था लेकिन काफी दिनों से जमीन पे शिफ्ट हो गया तो, आज तो मेरे बिल्कुल सामने बैठे तुम चीजी लाइंस बोलने के माहिर हो क्या ये लो ये रखो ये क्या है क्या मतलब क्या जरूरत पड़ सकती है जरूरत किस चीज के लिए किसी भी चीज के लिए अब तक तो मेरे अकाउंट में मेरी सैलरी आ चुकी होगी तो रखो अपनी सैलरी अकाउंट में तुम तो मेरी बीवी हो तुम्हारा ख्याल रखना तो मेरी जिम्मेदारी है ना उसे इंसानों की पहचान है बेटा तभी तो तुम उसकी बीवी हो कैसे हो खुश वैसे मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि तुमने एक रात वहां गुजारी है वेल, well, इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है तुम आज तक रहे हो किसी ऐसी जगह पर हाँ कल रात एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बहुत मजा आया कश्यप तुम्हारी जारून की वालदा से बात होती है ना ज्यादा नहीं होती मैं भी मसरूफ रहती हूँ वो भी मसरूफ होती हैं। उसे ज्यादा मौका नहीं मिलता जारून से जब बात होती है तो कभी कभी उनसे हो जाती है तो तुम उन्हें खुद फोन कर लिया करो ना उनसे बातें किया करो बल्कि तुम सबसे बातें किया करो सबका हाल पूछा करो इससे क्या होगा रिश्ता मजबूत होगा बेटा वो लोग अपर क्लास के लोग हैं मम्मी उनके अपने सोशल सर्कल्स होते हैं दोस्त लाइफस्टाइल एक लोअर मिड क्लास से आने वाली बहू के साथ रिश्ता मजबूत करने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता वो लोग तो हमारे खानदान का हिस्सा नहीं बने बेटा तुम उनके खानदान का हिस्सा बनी इसलिए तुम्हारे पास उनके लिए वक्त होना चाहिए बल्कि बहुत ज्यादा वक्त होना चाहिए तो वो मुझसे बात ना भी करना चाहे मैं फिर भी उन्हें फोन करूं, उनसे बातें करूं। अरे बेटा तुम ये कैसे सोच लेती हो कि वो तुमसे बात नहीं करेंगे न करना चाहेंगे अगर तुम उनसे खुलूस से मोहब्बत से बात करोगी तो वो क्यों तुमसे बात नहीं करना चाहेंगे जरूर बात करेंगे वो तुमसे देखो बेटा दारून उनका अकलौता बेटा है और उसके मां बाप तुम्हारी जिम्मेदारी है। अभी वो अकेले रह रहे हैं ना उनका अपना सोशल सर्कल है उनकी बेटी उनके पास है लेकिन जब सारा अपने घर की हो जाएगी और वो बूढ़े हो जाएंगे तो फिर कहां रहेंगे? हो सकता है तुम्हारे साथ ही रहना पड़े उन्हें तो फिर बेटा अगर उनके मिजाज उनकी आदात से वाकिफ नहीं हो गए तो फिर एक दूसरे को कबूल करने में बहुत मुश्किल होगी बेटा والِحَمْدِ الله. और मैडम आप कैसी हैं? ठीक हैं? ठीक-ठीक. आप के लिए हाँ, प्लीज़ ग्रीन ले लें. जी अच्छा. पता नहीं आज ये घर इतना खाली क्यों लग रहा है? या फिर मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ? इसीलिए लग रहा है? सलामैकुम सर जी जी मैं पहुंच गई खैरियत से शुक्रिया जी इंशाल्लाह कल से शुरू करूँगी मैं रहीम से कहती हूँ जी ओके जी जी थैंक यू खुदाफिज हेलो मैं पहुंच गई हूं अच्छा oh, चलो फिर बात होगी यहाँ बोर्डिंग हो रही है ओके okay, बाय अब तक तो इस्लामाबाद पहुंच गया होगा उसने बताया क्यों नहीं मुझे उसे बताना चाहिए था खुद कॉल करके पूछू नहीं क्यों खुद पूछू मैंने उसे फोन करके बताया था तो उसको भी मुझे खुद फोन करके बताना चाहिए मैडम खाना लगवा दू लगा दे। जी

और हर परेशान हो इसके पीछे भी हेलो <laughs> हाँ तो है एक तारीख में इतने सारे फोन मैं ठीक हूं तुम कहाँ हो मैं कुछ दोस्तों के साथ डिनर पे जा रहा हूँ मुझे बताया तक नहीं इस्लामाबाद पहुंच कर अच्छा आ, अभी फिलहाल मैं दोस्तों के साथ हूं घर पहुंच के फोन करता हूं तुम्हें ओके अकाउंट योर लेटर इसकी कोई जरूरत नहीं है एंजॉय योर आउटिंग ओके बाय उसे कुछ परवाह ही नहीं है वैसे सामने हो तो यूं शो करता है जैसे मेरे बगैर तो खाना भी नहीं खा सकता और अब कितने आराम से बैठा है वहां पे फोन क्यों बन जा ये फोन क्यों नहीं उठा रही कोई गड़बड़ होगी या फिर मेरी बात ना करने का बदला ले रही है

तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है चौकीदार नहीं हो तो मेरे चौकीदार ना सही तुम्हारा शोर तो हूँ ना हाँ, शोर तो तुम हो मेरे जिसे अपनी दफा कहीं पहुंच कर इतला देना याद नहीं रहता ना किसी और से पूछना याद रहता कि वो कहाँ है कहा नहीं है बस रात को गप्पे के लिए बीवी जरूर याद आ जाती है तुम्हें तो मेरा अंदाजा ठीक था ना मेरा तुम्हें रात को ना कॉल करना और तुम्हारा हाल ना पूछना अपसेट कर रहा था नहीं पूछा तो क्या हो गया क्या खास बात है तुम पूछ ली थी मैंने ही पूछा था और मैंने ही बताया था तुम तो इस्लामा पहुंचते ही अपने दोस्तों के साथ निकल गए कोई परवाह थी मेरी नहीं थी थी। हाँ, बस ठीक है फिर बाद में फोन करने की क्या जरूरत थी और इस खुशफहमी में ना रहना मुझे भी तुम्हारी परवाह नहीं है मैंने बस प्रोटोकॉल में फोन किया था अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है और मैं ड्राइव कर रहा हूँ कॉल करूंगा अगर तुम्हें तार ना निकाली हुई तो सो प्लीज लैंडलाइन की तार ना निकालना और ना ही अपना सेल फोन बंद करना क्योंकि उसके बाद में तुम्हें कॉल नहीं करूंगा तो ना करो मैं कौन सा मरी जा रही हूँ कश्यप नाउ यू बीइंग रूड मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रही हूं ठीक है फाइन आते हैं इस आवाज आ रिपोर्ट दो तभी खराब ना दो तभी खराब शोहर ना हुआ गार्ड हो गया जरूरत ना हो तो उसने जरूर हिफाजत करनी है मुझे इसकी समझ नहीं आती कभी इतना अच्छा हो जाता है तो कभी बगैर किसी वजह के इस तरह रूड। शादी भी टेंशन के अलावा और कुछ नहीं

क्यों आई लव यू ऑफिस पे कोई काम नहीं है क्या है तो फिर करो कर लेता हूँ काम तो तो मैं ये बताने के लिए फोन किया था मैंने नजला हो रहा है तुम्हें तो फिर कुछ लो इसके लिए तो ले लेता हूँ खुदा आफिर। खुदा आफिर। चले आप इनकी फाज तो ले आए मैं देखती हूँ अगर कुछ पॉसिबल है तो आज ही क्लियर कर देती हूँ लेकिन मैडम देखो हमारा जॉब इनको सर्व करना है आप प्लीज इनकी फाइल्स ले आए ओके मैडम मैडम मैं देखती अगर कुछ हो थैंक यू फ्लू कैसा है तुम्हारा वैसे? हाँ वैसे का वैसे ही रहने देना ठीक मत होने देना जरूर तुमने अपनी मेडिसिन भी नहीं ली होगी तुम हो नहीं यहाँ पे मेडिसिन लेने का फायदा कोई नहीं है अच्छा है ना मैं बीमार तो मेरे पास आ जाओगी हाँ बीमार है ना लेकिन घर पे नहीं टिकना ये तो मुझे पता है तुम्हारे बारे में रहता। तुम्हारा घूमना फिरना यूनिवर्सिटी के जमाने से चल रहा है इसका किसी और से ताल्लुक नहीं तुम्हारी आदतों से ताल्लुक है एक बार आ जाओ ना तो सारी सारी वारागर्दियाँ से दूंगा तुम्हें मुश्किल है मेरी अच्छी आदतें बहुत पक्की हो गई अब तक अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन मेरा यहां पे दिल नहीं लग रहा। तो फिर कहाँ लगता है तुम्हारा दिल? तुम में। अच्छा मेरा तो यहाँ आते ही दिल लग गया सुकून है आजादी है आराम है तुम्हारे गीले तौलिए उठा उठा कर मुझे फिरना नहीं पड़ता इतना भी सुकून नहीं है अगर होता तो तुम पागल ना हो जाती मेरे फोन ना करने पर खैर ऐसे भी कोई बात नहीं है अच्छा रियली really? मुझे नींद आ रही है अभी काम वायर निकालना और फोन बंद करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है <laughs> ऐसा करके देख लो तो फिर तो तुम्हारे डीसी को फोन करूंगा और उससे कहूंगा मेरी बीवी इमरजेंसी में आप प्लीज उसके घर पुलिस भेज दें तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे चैलेंज मत करो मुझे अगर करना है तो वायर निकाल के दिखाओ अच्छा मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है कि हम मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए कुछ रूल सेट कर लें रूल नंबर वन ये है कि अगर हमारे दरमियान कोई मसला या कोई झगड़ा होगा तो हम एक दूसरे से बात करना नहीं छोड़ेंगे जो भी मसला होगा जो भी झगड़ा होगा हम आराम से बैठ के बात करके हल करेंगे शादी से लेके अब तक ये शायद पहली अक्न की बात है जो मैं तुमसे सुन रही हूँ अगर मैंने ये रूल अभी तक सेट ना किया होता ना तो मैं प्रॉब्लम भी तुमसे दो दिन और बात ना करता इस बात की वजह से अच्छा मैं तो तुम्हें अप्रिशिएट करी थी तुम ही तो कहते रहते हो कि मैं तुम्हें कभी अप्रिशिएट नहीं करती अब इस तरह की अप्रिसिएशन के लिए भी तो नहीं कहा था मैंने बस मैंने सोच लिया क्या यही कि मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रहूंगा तुम्हारी पोस्टिंग करवा लूंगा तो मैंने तुम्हें रोका तो नहीं और ये कि मैं वीकेंड पे कराची आ रहा ठीक है। इंतजार करोगी मेरा नहीं 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 बीच में अगर तुम्हारा कोई काम आ गया और तुम नहीं आ सके, तो मैं बहुत अपसेट हो जाऊंगी चलो एक फायदा तो हुआ क्या यही कि तुम मेरे ना आने पर अपसेट हो जाओ तुम मेरी बातों से सिर्फ वही मतलब निकालो जो तुम्हें सुनना होता है तो तुम वही सब कुछ कहा करो ना जो मैं सुनना चाहता हूँ क्या यही क्या आई लव यू आई मिस यू मैं तुम्हारे बगैर उदास हो जाती हूँ <laughs> क्या हुआ अब खामोश क्यों हो गई शायद बातें खत्म हो गई तुम अगर मेरे सामने होती ना तो फौरन से पहले तुम्हारा झूठ पकड़ा जाता मतलब मतलब ये कि जब मेरी बीवी से रोमांटिक बात का जवाब नहीं दिया जाता ना तो चाहे अपने आप जितना मर्जी अनइमोशनल जाहिर करें एक ही जुमले से एम्बेरस हो जाती जी नहीं जी हाँ अब मेरा इंतजार करना और खबरदार जो तुमने आइंदा काम नहीं करूंगी अच्छा हेलो हेलो हैप्पी बर्थडे थैंक यू सो मच मैं तुमको जल्दी फोन करना चाह रही थी लेकिन टाइम ही नहीं मिला ऑफिस में बहुत मसरूफ थी आज बीच में फोन भी किया था लेकिन तुम्हारा नंबर था जाके फ्री हुई oh, oh, totally so कलर कौन सा है अच्छा लगा तुमको अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी बर्थडे कब होती है जाहिर सी बात है इकलौती बहनों तुम्हारे बारे में बात करता रहता है वो जारून मेरे बारे में बात करता है

<laughs> चलो दैट्स रियली गुड वैसे तुम्हारी बर्थडे कब होती है ये तो तुम जारून से पूछना अगर उसे याद हुआ तो उसे नहीं याद होगा सब याद होगा उसे <laughs> चलो बाद में बात करते हैं फिर ओके टेक केयर बाय It's good to see you. चलो जारून आता है तो इसी बहाने तुम भी नजर आ जाती हो आई एम श्योर अम्मी के यहाँ तो जाती होगी लेकिन यहाँ का रुक नहीं करती नहीं मम्मी ऐसी रुकूं, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड तुम्हारे हमारे माहौल में इतना फर्क है अम्मी के यहाँ एम श्योर तुम कंफर्टेबल होती होगी यहाँ थोड़ा सा आउट तो ऑफ प्लेस फील करती हो नही मम्मी आप दरअसल अपने काम में इतनी मसरूफ रहती हैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको डिस्टर्ब कर लूँ बिजी तो मैं रहती हूँ बहुत दैट्स ट्रू लेकिन तुम्हारे आने से डिस्टर्बेंस नहीं होगी जी चाय के साथ कुछ लोगी नहीं शुक्रिया और फिर ऑफिस का काम कैसे जा रहे हैं ठीक कभी बदीन में रहूंगी मैं थोड़े हफ्ते आप आना अच्छा होगा नहीं भाई बहुत गर्मी होती है वहाँ एन आई हैंडल इट नॉट यूज्ड टू इट ने लगवा फिर आया जा सकता है। करो भाई। जब एक बार घंटी बजाए ना तो अंदर वालों को आवाज आ जाती है कि बाहर कोई आया है okay. ऐसे केस में बाहर वालों को इंतजार करना चाहिए okay. तुम कोई सदरे पाकिस्तानी हो जो घंटी में घंटी बजाए जा रहे हो मुझे पता नहीं था कि आप हैं, वरना मैं नहीं देता यानी अगर मैं घर पे ना होती तो घंटी पे घंटी बजा बजा के अम्मी को तंग करते तुम और इसमें क्या है इसमें बारह मसालों की बिरयानी अम्मी ने बनाई है नए तरकीब से बनाई थी मसाला टीवी आता है ना उससे सीखी थी उन्होंने तो भेज दी वैसे आपकी अम्मी को मसाले लगाने के लिए किसी मसाला टीवी की जरूरत नहीं है माशाल्लाह से बहुत इंडिपेंडेंट है वो पहले से इस मामले में इसलिए जब आइंदा आप हमारे घर आए ना तो ऐसी चीजें ना लेकर आया करें बारह मसाले वाली बिरयानी चौदह मसाले वाला कोरमा ये घर ही छोड़ के आया करो तो आंटी भी तो भेजती हैं अच्छा क्या भेजती हैं जब मैं कुछ लेकर आता हूँ तो आंटी भी भेज भी देती हैं आया है अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम आंटी जीते बेटा कैसे आना हुआ ये बिरयानी भेजी थी अच्छा बहुत शुक्रिया जाओ बेटा बाबरची खाने में रख दो और वो छोटा डोंगा है ना उसमें खीर पड़ी है वो लेते आप अम्मी हमें इनकी बिरयानी की कोई जरूरत नहीं है और ना ही इन लोगों को हमारी खीर की अच्छा कहा ना ले आओ हाँ तो मैं यहीं बैठ करके ही खा लूंगा ऐसा कोई मसला हाँ नहीं हाँ? हाँ जरूर जरूर बैठो बैठो जी। अभी आती एक्सक्यूज मी यहाँ बैठ के खाने की कोई जरूरत नहीं है ये घर ले जाए और घर ले जाके खाए और डोंगा वापस कर दीजिएगा तो वैसे भी हम आपके ढोंगे रखते नहीं है हमेशा वापस करके ही जाते जी बिल्कुल अब चले थैंक यू आपकी जरा नवाजी का बिल्कुल ये चेक तुम्हारे पापा देकर गए थे थैंक यू जारून इतनी बड़ी रकम की क्या जरूरत पड़ गई आई नो माम बस कुछ ड्यूज थे वो क्लियर करने रह गए थे क्रेडिट कार्ड के बिल जो नहीं देते हैं फिर भी तुम्हारे ड्यूज रह जाते हैं आई नो बस पता नहीं शादी के बाद से बजट बिल्कुल ही खराब हो गया है तो अब शादी के बाद कश्यप को भी तो पैसे दे रहे होगे ना हाँ लेकिन इतने ही देता हूँ जितने देने चाहिए क्यों ना दिया करो मैंने ना दिया करो लेकिन इतने खुले हाथ से भी मत दिया करो हो सकता है वो अपनी फैमिली को पास कर रही हो नहीं मां कश्यप बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है कि मुझसे पैसे लेके अपनी फैमिली को दे वैसे भी उसकी फैमिली में है कौन एक माँ एक छोटी बहन है उन्होंने मदर इज वेरी सेल्फ सफिशिएंट खुदार औरत है खुद कमाती है अपना मैं उनकी खुददारी पर शक नहीं कर रही सारून लेकिन जरूरतमंद तो वो है ना और इन हालात में इस तरह की शादियों में कई दफा लड़कियां को करती हैं फाइनेंशियली माँ तो आपको पता है कि मैं एक बेवकूफ़ आदमी नहीं हूँ और दूसरी बात यह अगर वो अपनी उसने मुझसे मदद ली भी है या लेगी भी आई नो शीट मी खुद भी कमाती है अपनी जरूरिया कम कर लेगी मैं ये नहीं कह रही कि उसके मां बाप का उस पर हक नहीं है मैं ये भी नहीं कह रही कि वो उन्हें हेल्प नहीं कर सकती लेकिन सिर्फ तुम्हें ये समझा रही हूं तो मैं वॉर्न कर रही हूं अभी शादी की शुरुआत है शुरू के दिन है तुम इतना खुला खर्च दोगे तो उससे कदर नहीं रहेगी बिल्कुल अब okay. प्लीज right. uh, खुदा के लिए मुझे चाय पिलवा दें सुबह से आपके सर्वेंट्स को इंटरकॉम कर रहा हूँ मैं कोई भी नहीं उठाता वेरी एफिशिएंट ऑफ देम ये अब्दुल गया है ना तो मेरे लिए मुसीबत हो गई है अब तुम बैठो मैं लेकर आती हूँ एंड ओनली फॉर यू यू नो आई डोंट लाइक डूइंग दिस स्टैंडिंग इन द किचन तुम क्यों ले आई मैं ले आती कोई बात नहीं मां मैं किचन में थी मैंने सोचा मैं ही ले आऊं थैंक्स कश्यप वो मैंने पैसे साइकिल टेबल पर रख दिए तुम उठा लेना वहां से ओके okay? मुझे पैसे नहीं चाहिए मेरे अपने हैं क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ तो हुआ है सुबह का तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक था अब क्या हो गया सुबह को ठीक था अब भी ठीक है कोई नाराजगी नहीं कोई नाराजगी नहीं है तो मसला क्या है पैसे क्यों नहीं उठा लेती तुम मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगी माँ की बात सुन ले। अच्छा आई सॉरी नहीं यार कश वो तुम्हारी सास है वो तो इस तरह की बातें करेगी यार कभी कभार बर्दाश्त के लिया करो चंद पैसों के मैं अपनी बेइज्जती नहीं करा सकती तो बेइज्जती कौन कर रहा है तुम्हारी तो मैंने बेइज्जती ही महसूस की है और मैंने अपॉलोजाइज किया है ना और मैंने तुम्हारी अपॉलोजी को एक्सेप्ट कर लिया फिर फिर आईदा मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें बता दूंगी तुम खुद मेरे लिए ले आना इस रिश्ते का रूल नंबर टू यह है कि जब हम आपस में बात कर रहे हो तो दूसरे की बात सुने बगैर कहीं नहीं जाना सुबह को मैंने तुम्हारी अम्मी की बात सुनी थी और अब मैं तुम्हारी सुनी हूं और यही मेरे इस रिश्ते से कमिटमेंट का सबूत है चाहे कोई रूल्स हो या ना हो ठीक है मैं पैसे छोड़े जा रहा हूं तुमने उठाने हुए तो उठा लेना मैं तो ये कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मम्मी मेरे बारे में ऐसी सोचती है जारून से इस तरह की बातें कर सकती होंगी आप ही तो कहती थी ना कि उन्हें रोज फोन क्या करो वरना मैं उन्हें रोज़ फोन करना नहीं चाहती थी उनके साथ भी रहना नहीं चाहती थी मुझे तो पहले से ही पता था कि मैं जो कुछ भी करूं वो मेरे बारे में आला जरफी नहीं दिखा सकती सास सास होती है उसे कोई मां ही बना सकता मैंने कब कहा था कि सास को माँ बना लो सास को माँ बनाने की जरूरत भी नहीं होती बेटा ये तो ऐसा रिश्ता है जिसे सिर्फ और सिर्फ इज्जत और एहतराम की जरूरत होती है मैं उनकी इज्जत और एहतराम कैसे कर सकती हूँ अम्मी वो तो ये सोचती कि मैं उनके बेटे से पैसे लेकर आपको देती हूँ अम्मी मुझे चोर समझती है अरे नहीं बेटा वो तो तुम्हें चोर नहीं समझती है उनका मसला ये कि वो तुम्हें जानती ही नहीं देखो, देखो बेटा, रिश्ता है ना वक्त लगेगा एक दूसरे को समझने में वो तुम्हारी आदत तुम्हारे बारे बारे में किसी बारे में किसी चीज के भी वाकिफ नहीं तो मेरी आदत के ना जानने के बारे में ये मतलब कि वो मेरे बारे में ये अंदाजा लगाए तुम ऐसी नहीं हो यही तो साबित करना है तुम्हें और वैसे भी बेटा वो अपने अपने बेटे की जिद ब्याह कर लाई थी तुम्हारे बारे में कोई अच्छी राय तो नहीं होगी ना तुम कौन सा वैसे भी हर क्लास का आदमी दूसरी क्लास के आदमी के बारे में गलत फहमी ही रखता है एक बात बताऊ तुम्हें शादी के बाद वाले और शोहर कुछ ना कुछ कह ही देते हैं बेटा हमेशा से यही होता आ रहा तुमने कदम रहना है और तुमने और उन्हें समझाना है कि तुम ऐसी नहीं हो तो क्या मैं अपनी बेइज्जती कराती जाऊं नहीं बेटा तुम जैसी हो वैसी ही रहो और जो मैंने तरबियत दी है तुम्हें उसे कभी ना भूलना देखो बेटा जारून तुम्हारे माँ बाप की बेहद इज्जत करता है तुम भी उसके माँ बाप की इज्जत करो चाहे वो कुछ भी कहे कुछ भी सोचे बेटा सब ठीक मेरी बहुत हिम्मत वाली बेटी है बेहद बहादुर आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए जारू ने मुझसे सुन लिया तो सुन लिया लेकिन तुम्हें पता है मेरी कोई ऐसी नीयत नहीं थी और आफ्टर ऑल मैं माँ हूँ तुम्हारी मेरे भी कुछ कंसर्न्स हैं मैं अपने बेटे से बात कर सकती हूँ हाँ माँ मैं समझ सकता हूँ लेकिन वो नहीं समझ सकती शी इज न्यू इन दिस हाउस हाँ सही कह रहे हो तुम लेकिन अब तुम क्या चाहते हो मैं जाकर उससे माफी तो नहीं मांग सकती ना मैं तो एम्बैरस हो गया ना तो तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ उससे तुम्हें उसे समझाना चाहिए था कि तुम्हारी माँ का ऐसा कोई मकसद नहीं हो सकता हाँ माँ मैंने ऐसा ही किया जो मैं समझा सकता था मैंने समझाया वैसे फ्रेंकली मुझे बड़ी हैरत है कि आते के साथ उसने इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया है माँ वैसी भी बात नहीं है वो एक बहुत खुददार और हसास लड़की है वो कभी भी अपनी जरूरतों के लिए मुझसे पैसे नहीं मांगती और आज भी ऐसा ही किया उसने मैं उसे पैसे देके गया और वो छोड़ गई ये कह के कि उसे फिलहाल जरूरत नहीं है वैसे जाते हुए मुझे मिलकर तो बहुत अच्छी तरह गई है यही तो उसकी बड़ाई है उसने आपको एहसास तक नहीं होने दिया क्योंकि वो आपकी इज्जत करती है क्लास डिफरेंस एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है लाख कोशिश के बावजूद बरसात में जगह जगह उगाने वाली खुम्बियों की तरह होता है वहां पे तकलीफ पहुंचाता है जहां ये उम्मीद भी नहीं होती कांटा बनकर चुपता है लेकिन नजर नहीं आता आबला बनकर दुखता है लेकिन दिखता नहीं मुझे लगता है जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ज़ारून की अम्मी को ये यकीन दिलाते गुजर जाएगा कि मैं लोअर मिडिल क्लास से हूं लेकिन लालची नहीं चीजें देखकर हासिल करती हूँ लेकिन बत्तीनती नहीं हेलो हाँ कशप

<laughs> चलो फिर अपनी हैरत वेर छोड़ो और पैकिंग शुरू कर दो ओके okay? अच्छा चलो बाय बाय हाय हेलो हाय व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज कैसी हो तुम कैसी लग रही तुम्हें मैंने काफी अर्सा पहले गौर करना छोड़ दिया था नाराज हूं मुझसे अभी भी नहीं नाराज तो नहीं मैं कॉन्ग्रेचुलेशन सुना है तुम्हारी शादी हो गई हाँ थैंक यू हैरान हूं अभी तक क्यों मुझे नहीं पता था कि तुम कश्यप जैसी लड़की से शादी कर लोगे तुम्हारा हस्बैंड कैसा है मेरे सवाल का ये जवाब तो नहीं था तो फिर तुम यही जवाब समझ लो। You wanna grab a cup of coffee? Ah, uh, no thank you, yeah. Good to be safe. I don't think we can be together anymore. पहचानने तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो हम एक साथ स्कूल में थे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई अगर तुम्हें मैं एक मेल शोवनिस्ट कहूंगी दैट विल बी अ टर्म ऑफ इंडेमेंट फॉर यू कंपेयर टू व्हाट आई थिंक ऑफ यू तुम्हारा तो मुझे गलत समझ रही हो मैं जा दूं शायद जिंदगी में पहली दफा मैं समझ पा रही हूं तुमको You don't need a wife. You need a puppet. जब मेरी तुम्हारे से मंगी हुई हुई थी यू कॉन्ट इमेजिन थ्रू तुम्हें हर चीज पे ऑब्जेक्शन थी मेरी पर्सनैलिटी मैं जिसे बात करती थी मैं जिस तरह के कपड़े पहनती थी जिस तरह की थी You couldn't stand that, could you? You insulted my intelligence. I can't do this anymore. I really can't.